हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम टू बीइंग बैंकर विद निव्या. माय नेम इज निव्या भुवन और आज हम लोग यहाँ पर अपना सेकंड पार्ट कवर करने वाले हैं. आई होप आप लोगों ने प्रीवियस सेशन देख लिया होगा. अगर नहीं देखा है तो जरूर से उसे देख लीजिएगा, उसके बाद ही पार्ट टू आप लोग देखिएगा. कुछ होमवर्क दिया था आपको मैंने, तो वो होमवर्क आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं. आई होप आप लोगों ने जरूर से ट्राई किया होगा. तो चलिए फिर आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो ये रहा आपका क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए एंड इसके बाद फिर हम लोग इसे सॉल्व करते हैं. सो लेट्स प्रोसीड. दिस इज आवर क्वेश्चन एंड ये हमारा रो वाला पजल है. सो चलिए देखते हैं. 12 पीपल सिटिंग इन अ टू पैरेलल रोज कंटेनिंग 6 इन ईच. ओके, सो 6 लोग घर में बैठने वाले हैं. 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 एंड इनके सामने होंगे 6 लोग. 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. नाउ रो वन में बैठेगा आपका ए बी सी डी ई एफ एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ. तो दिस इज योर रो वन जो कि सब लोग साउथ की तरफ देखेंगे एंड दिस इज योर रो नंबर टू जिसमें सभी लोग आपके नॉर्थ की तरफ देखेंगे जहां पर पी क्यू आर एस टी एन वी बैठा है. ठीक है, क्वेश्चन आपका शुरू होता है वी से. सो चलिए यहां पर से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं. वी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एस. वी थर्ड राइट ऑफ एस. सो वी हमारा क्योंकि रो नंबर टू में है तो राइट इधर ही होगा. वी थर्ड राइट ऑफ एस. डन. एस फेसेज एफ. एफ के सामने आप लोग एफ को दीजिएगा एंड एफ डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड. एफ के आगे पीछे कोई ना कोई तो होगा, एफ आपका एंड पर नहीं होगा. ओके, नेक्स्ट डी सिट थर्ड राइट ऑफ सी. ओके, डी थर्ड राइट ऑफ सी क्योंकि सी ऊपर बैठा है तो राइट इस साइड ही जाएगा. डी सिट थर्ड राइट ऑफ सी. ओके, आर फेसेज ई. आर ई को फेस करेगा. ओके, द वन फेसिंग ई सिट्स थर्ड राइट ऑफ पी. जो ई को फेस कर रहा है वो पी के थर्ड राइट में बैठा है. 1, 2 एंड 3. ओके, मूविंग ऑन. बी एंड पी डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड. मतलब ई भी आपका एंड पर नहीं बैठेगा, मतलब आर भी आपका एंड पर नहीं बैठेगा. आर के भी आगे पीछे कोई होगा. नेक्स्ट टी डज नॉट, टी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एस. टी के अगल बगल में आप एस को नहीं बैठाएंगे. एंड एफ इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ डी. और एफ के अगल बगल में आप डी को नहीं बैठाएंगे. सो इतने सारे कंडीशंस आपके गिवन थे. नाउ हम लोग चलते हैं अभी पुट करना. हमें पता है एस और वी का पोजीशन. हमें ये भी पता है कि एस को आपको एंड पर नहीं देना है, गिवन था. तो हम लोग वी को एंड पर करके अगर देखें तो दो छोड़ने के बाद आएगा एस. एस के सामने हमने लिख दिया एफ, राइट. अभी हमें ये पता है कि एस के अगल बगल में टी नहीं जाएगा जो कि यहाँ पर गिवन था. सो दैट मीन्स यहाँ पर भी टी नहीं आएगा. टी आपका यहाँ पर भी नहीं आएगा. ओके, सो अभी हम लोग और क्या कर सकते हैं. अभी हम लोग आई गेस पी और आर वाला काम करके देखते हैं, राइट. नाउ देखो आर और ई. अच्छा, आर और ई आपका एंड पर नहीं बैठेगा. अगर मैं आर और यू ई को यहाँ पर पोजिशन करूँ, आर के सामने ई एंड दो छोड़ने के बाद पी, दैट मीन्स पी आ जाएगा. टी के लिए कहा गया था तो टी के लिए अभी एक ही जगह बचा. टी को हमने यहाँ पर डाल दिया. इसके बाद एक अल्फाबेट बच गया क्यू. क्यू को हमने यहाँ पर डाला, राइट. अभी देख लीजिए डी और सी के लिए. अभी मुझे कहा था कि एफ के अगल बगल में आपका डी नहीं बैठेगा, तो एफ के अगल बगल में डी नहीं देंगे. सो डी को अगर मैं यहाँ पर बैठाती हूँ तो दो छोड़ने के बाद आएगा आपका सी. डन, राइट. अभी मुझे क्या बच गया. अभी मेरे पास बच गया है ओके, ए बच गया है और बी बच गया है. बी एंड पी डजंट सिट एट एक्सट्रीम एंड. बी आपका एंड पर नहीं बैठेगा तो चलिए फिर बी को दे दीजिए मिडिल पे एंड ए को दे दीजिए कॉर्नर पे एंड वी आर डन. सो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा सीखने का जरूरत था. आई होप आप लोग को समझ में सारी बातें आई होंगी एंड अगर कोई भी डाउट होगा तो आप लोग ज़रूर से मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है. सो चलिए फिर लेट्स प्रोसीड. ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, प्रीवियस सेशन का होमवर्क है. अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लीजिएगा. आज मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों के सामने सॉल्व करने वाली हूँ. आपने ज़रूर ट्राई किया होगा. अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो देख लीजिए. अगर इसके बाद भी आपको प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे टेलीग्राम पर @NivyaBhuvan पर भी भेज सकते हो या फिर आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हो. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. 7 मेंबर्स हैं हमारे पास में. एल एच के टी एफ जे एन आर. अलग अलग कंट्रीज़ को ये लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अलग अलग इन्हें स्पोर्ट्स चाहिए. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं. के रिप्रेजेंट चाइना. सो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग जो कॉमन है ना वो 7 मेंबर्स के नाम लिख लेते हैं. सो एल एच के टी एफ एन जे. अगर हम लोगों ने इन्हें ले लिया एन आर. अगर हम लोगों ने इन्हें ले लिया कॉमन में. सो अलग अलग कंट्रीज ये लोग का है, फाइन. सो ओके, एक में कंट्री लिख लेंगे और एक में हम लोग लिख लेंगे स्पोर्ट्स गेम. ओके, के रिप्रेजेंट चाइना. सो के सामने मैंने लिख दिया चाइना को और चाइना हमारा लॉक है, इसे आप ओपन नीचे शिफ्ट नहीं करिएगा. आगे फॉर आर्चरी. सो के का मुझे दोनों चीज़ ही कन्फर्म हो चुका है, चाइना एंड आर्चरी. सो के इज डन गाइज. मूविंग ऑन, टी रिप्रेजेंट यूएस. सो टी को आप यूएस रिप्रेजेंट करवा देंगे एंड इसको भी लॉक कर देते हैं, बट नॉट वॉलीबॉल और राइफल शूट. सो यहाँ पर बोला गया है कि आप लोग एफ को, सॉरी टी को
ना तो वॉलीबॉल देंगे ना ही राइफल देंगे, राइफल शूटिंग ओके नहीं देना है। आगे, द वन हु रिप्रेजेंट जापान कम्पीट्स फॉर बॉक्सिंग, सो जहाँ पर भी आपका जापान जाएगा उसके सामने में हम लोग बॉक्सिंग को दे देंगे। ओके डन। एफ कम्पीट्स फॉर वॉलीबॉल, सो एफ को दे देते हैं हम लोग वॉलीबॉल। ओके एंड ये भी कन्फर्म है तो इसे भी लॉक कर देते हैं। बट नॉट फॉर कोरिया, सो यहाँ पर हम लोग कोरिया नहीं देंगे एफ के सामने में। एल रिप्रेजेंट ऑस्ट्रेलिया, ओके सो एल को हम लोग ऑस्ट्रेलिया दे देते हैं एंड इसे भी हम लोग ने लॉक कर दिया है। सो एल रिप्रेजेंट ऑस्ट्रेलिया फॉर एथलेटिक्स, सो एल को दे दीजिएगा एथलेटिक्स, एथलेटिक्स ओके सो वी आर डन, एल का भी हो चुका है। नाउ प्रोसीड विद रशिया, द वन हु रिप्रेजेंट रशिया कम्पीट फॉर टेनिस, सो जहाँ पर भी रशिया जाएगा उनके सामने में हम लोग टेनिस को डालेंगे। नाउ जे डज नॉट रिप्रेजेंट कोरिया और जापान, के को हमें कोरिया या फिर जापान, के का सॉरी जे सॉरी जे डज नॉट रिप्रेजेंट कोरिया और जापान, सो जे को भी आप लोग कोरिया नहीं दीजिएगा ना ही जापान दीजिएगा। ओके मूविंग ऑन, आर कम्पीट्स फॉर राइफल शूटिंग, सो आर को दे दीजिए राइफल शूटिंग। ओके राइफल शूटिंग, चलिए अभी जो भी कंफर्म था हम लोगों ने लिख लिया है सारे कंडीशन, अभी बस सभी को पुट करना स्टार्ट करते हैं। जापान के सामने मुझे पता है बॉक्सिंग जाएगा, जापान जे के पास जा नहीं सकता है, एफ पे जाएगा नहीं, टी पे नहीं, के पे नहीं, तो जगह कहाँ पर बचा, जगह बचा सिर्फ और सिर्फ एच के पास में, सो जापान दीजिए और जापान के सामने डाल दीजिए बॉक्सिंग। डन। नाउ रशिया के साथ आपका टेनिस जाएगा, जगह कहाँ पर है जो आपका दोनों पोजिशन खाली है, वो है सिर्फ और सिर्फ जे के पास में, तो जे को दे दीजिए रशिया और उसके साथ दे दीजिए टेनिस। डन। नाउ अभी देख लीजिए कोरिया का, कोरिया आपका जे पे बैठना नहीं था, कोरिया आपको हम लोग एफ को दे नहीं सकते हैं, टी के पास ऑलरेडी यूएस है, तो कोरिया के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह बचता है, वो बचता है आर, हमने दे दिया है कोरिया को। नाउ हमारे पास एक कंट्री बच गई है, वो कंट्री है फ्रांस, तो हमने दे दिया फ्रांस एफ को, और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक गेम बचा है जो बचा है फुटबॉल, तो हम लोगों ने फुटबॉल दे दिया टी को एंड वी आर डन। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आराम से आप लोगों से बन जाता, सो अभी बारी है आपके होमवर्क का, सो लेट्स सी आज का होमवर्क क्या है। आज का होमवर्क आपके स्क्रीन पर रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए एंड अपने अपने आंसर ज़रूर से मुझे भेज दीजिएगा, टेलीग्राम पर भी भेज सकते हैं आप, कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा पार्ट थर्ड, वहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी, बट उससे पहले आई वॉन्ट योर आंसर्स गाइज, सो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ओके एंड मिलती हूँ आप लोगों से मैं दूसरे नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू सो मच। अन अकेडमी पर 4 अगस्त से काफ़ी सारे बैचेस स्टार्ट हुए हैं काफ़ी सारे एडुकेटर्स के, तो आप लोग वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। एंड इसके अलावा अलग अलग बैंक एग्जाम जो भी है आपका, उस पर फोकस किया गया है, यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ मिलने वाला है जो आपको आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहा है। बेस्ट एजुकेटर्स इंडिया के आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, सो अलग अलग एग्जाम्स को फोकस करके बनाया गया है। रणवीर एडवांस प्रैक्टिस बैंक है, देन आपका IBPS क्लर्क के लिए एक बैच चल रहा है, रन विजय फॉर CET, CET अगले साल से मोस्ट प्रोबेबली हमारा लागू हो जाएगा, तो CET को भी ध्यान में रखते हुए आपका रन विजय बैच होने वाला है 4 अगस्त से स्टार्ट। देन अलग अलग और भी एग्जाम्स है, जैसे कि आपका फाउंडेशन अगर आपका वीक है तो आप उसके लिए फाउंडेशन वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, राइट ये आपके हर एग्जाम्स के लिए होगा। नाउ रणवीर बैंक है जो कि बैच है जो कि आपका एडवांस लेवल का क्वेश्चन करवाने वाला है, रन विजय CET बैंक होने एग्जाम होने वाले हैं, देन आपके फाउंडेशन अगेन फाउंडेशन के लिए एक और आपके पास ऑप्शन है, तो काफ़ी ऑप्शन है आपके पास, आपको जो ठीक लगे अपने लिए आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। नाउ गुरुकुल बैच है जो कि आपका IBPS और इंश्योरेंस को कवर करने वाला है, अगर आपका भी टारगेट इंश्योरेंस है या फिर IBPS है आप यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। नाउ कंप्लीट बैच चल रहा है RBI के लिए, सो RBI अगर आपका टारगेट है तो आप ज़रूर से इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा IBPS क्लर्क का प्री बेसिक्स टू एडवांस लेवल एवरीथिंग आपका कवर किया जाएगा एंड IBPS क्लर्क। नाउ मेरा जो यहाँ पर सेशन चल रहा है वो चल रहा है SBI के लिए, मैं SBI के लिए यहाँ पर आपका एक बैच चला रही हूँ जो कि सुबह में 9:30 बजे चलता है अनअकैडमी प्लस पर, आप वहाँ पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं गाइस। इसके साथ ही हर एक संडे को सुबह 10 बजे अनअकैडमी पर कॉम्बैट होता है, आप वहाँ पर भी जुड़ सकते हो, जुड़ने के लिए आपसे एक कोड मांगेगा, तो आप उस जगह पर Nivya-6721 अप्लाई कर दोगे तो आपका वो अनलॉक हो जाएगा और आप उस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। पूरी तरीके से आपके एग्जाम बेस्ड होने वाले हैं और अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो और आप टॉपर आते हो तो आपके लिए गिफ्ट्स वगैरह भी है अनअकैडमी के पास में। सो थैंक यू सो मच गाइज, और कोई अगर आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन तो आप नीचे मुझे लिख सकते हो।